रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार से जम्मू एवं कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वह इस दौरान सीमाओं पर सैनिकों की तैयारी और दूरवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की समीक्षा करेंगी। रक्षा मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद यह उनका जम्मू एवं कश्मीर का पहला दौरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीतारमण घाटी में नियंत्रण रेखा LOC पर अग्रिम चौकियों, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा और सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करेंगी। आपको बता दें कि सीतारमण के इस दौरे पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी जा सकते हैं। वह घाटी में सुरक्षा स्थिति का भी जायजा लेंगी। इससे पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारतीय नौसेना के जहाज के लिए स्वदेशी सोनार खरीदने और मिसाइल खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपए मूल्य की एक परियोजना को मंजूरी दे दी। सीतारमण के रक्षा मंत्री बनने के बाद परिषद की यह पहली बैठक थी। मंत्री ने हर DAC पखवाड़े DAC की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। रक्षा अधिग्रहण का निर्णय लेने वाली मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि DAC ने बुधवार को भारतीय नौसेना के लिए उन्नत सोनार खरीदने की जरूरत को मंजूरी दी है। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।